चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात राजकोट में हुए गेमिंग सेंटर के उस हादसे से, जिसके बाद देश में हर कोई परेशान है। दरअसल जांच में ये पता चला है कि ये पूरा गेमिंग सेंटर अनऑथराइज्ड जमीन पर परिसर पर बनाया गया था। राजकोट गेमिंग जोन में आग से हुई मौतों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे हत्या की तरह बताया है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जून को है। दरअसल 26 मई को राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 12 बच्चों समेत 28 लोग मारे गए थे। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से खास बातचीत की है, इस पूरे मामले पर देखिए। राजकोट अग्निकांड को लेकर आज गुजरात हाईकोर्ट में किस तरह की दलील हुई और क्या संज्ञान लिया, आइए जानते हैं। सर बताइए, क्या आज मेन हाईलाइट रही कोर्ट के अंदर, किस किस तरह की दलील हुई? कल संडे के दिन कोर्ट की स्पेशल बेंच बैठने के बाद उसे आज रिटर्नेबल रखा गया था। आज कोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि अगर जो ऑफिसरों ने 2020 से जो पीआईएल के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें बराबर उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया और उन्होंने अपना काम जो ठीक से करना चाहिए नहीं किया, अगर उन्होंने ध्यान दिया होता और ये कंप्लायंस किए होते तो आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना बनती नहीं और बच्चे अपने जान नहीं खोते, तो उनमें किया गया। और उन्होंने बड़ा नाराज़गी व्यक्त की कोर्ट ने कि अगर हर बार जब कोर्ट ने किया हुआ है, आपके पास ऑर्डर्स है, तो आपने अपना काम जो एक्ट में लिखा हुआ है वो जुडिशियल ऑर्डर्स से भी कंफर्म किया हुआ है, फिर भी आप लोग नहीं करते, तो ऐसी घटना होती है जिसमें निर्दोष लोगों को अपनी जान को नहीं देते। संशोधन को लेकर भी कोर्ट काफ़ी नाराज था। राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेकर उन्होंने एक बात कही, वो क्या थी? कमिश्नर जो होता है वो सबसे मेन आदमी होता है, उसी के अंडर में पूरा कॉरपोरेशन आता है। तो जब भी ये जो निर्गत दिशा निर्देश दिए गए थे जो पीआईएल के अंदर या जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो कमिश्नर को दिए गए थे कि उनकी जवाबदारी बनती है, नैतिक जवाबदारी भी उन्हीं की बनती है कि उन्हें अपने सबोर्डिनेट से काम लेना है वगैरह है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसी कोर्ट ने एक बात कही थी। अगली हियरिंग और कब तक एफिडेविट करनी है? जी हर एक कॉरपोरेशन को जो पीएल के अंदर है, जो अहमदाबाद गुजरात स्टेट के हर एक कॉरपोरेशन और नगरपालिका जो है उनको 3 नवंबर तक अपना एफिडेविट में रिपोर्ट रजू कर देना है और एफिडेविट के ऊपर आ जाने के बाद 6 नवंबर को ये केस की अगली सुनवाई रखी गई है। वहीं राजकोट हॉस्पिटल में मृतकों के परिजनों ने आज जोरदार हंगामा किया। सिविल हॉस्पिटल में लोगों ने परिजनों की बॉडी नहीं मिलने को लेकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि डीएनए के बाद ही बॉडी परिवार को सौंपी जा रही है। हमें जो पुलिस जो गेम जोन की जगह से मिली है उनका और उनके फैमिली जो मिसिंग पर्सन है उनके फैमिली मेंबर्स का हमने डीएनए सैंपल लेके मैच करने के लिए एफएसएल गांधीनगर को भेजा हुआ है। उसमें से अभी तक 4 लोगों के आइडेंटिफाई होके आ चुके हैं और उनके फैमिली को हमने डेड बॉडी सौंप दी है। बाकी जो भी जैसे जैसे आते जाएंगे रिपोर्ट्स उस तरह से हम जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में है, जैसे ही आ जाएंगे हम उनको रिपोर्ट उनको बुला के तुरंत ही उनको उनके डेड बॉडी सौंप देंगे। मैं सबको यही कहना चाहती हूं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत ही हम जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका कांटेक्ट करते हैं। हमारे पास सब फैमिली मेंबर्स का लिस्ट अभी है हमारे पास। और भी कोई ऐसा है कि जिसका मिसिंग पर्सन कोई है फैमिली में और अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है या हमारे द्वारा उनको कॉन्टेक्ट नहीं किया गया है, हमने इमरजेंसी नंबर डिक्लेयर किया है। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां राजकोट के बाद एक और दुखद घटना सामने आई। आग लगने की वजह से दिल्ली के विवेक विहार के अस्पताल में 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खिची को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल के मालिक के साथ हादसे के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आकाश को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों की कोर्ट में पेशी हुई है। करकरडूमा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 मई तक 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो इस खबर पर अब ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता आनंद तिवारी से। तो आनंद बताएं क्या अपडेट है इस मामले में? जी देखिए, बिल्कुल, विवेक विहार बेबी केयर अग्निकांड मामले में जो दोनों आरोपी डॉक्टर हैं उन्हें आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कि 30 मई तक के लिए उन्हें
पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, वो फायर डिपार्टमेंट से भी जानकारी हासिल करना चाहती है कि फायर एनओसी मिली थी या नहीं मिली थी। हालांकि जानकारी मिल रही है कि फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम जो है इस बेबी केयर सेंटर में नहीं थे। क्षमता से अधिक जो बिस्तर हैं वो यहाँ पर बेड लगाए गए थे। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी रिफिलिंग का काम यहाँ पे होता था, और जो डॉक्टर हैं वो प्रशिक्षित डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं थे। जो डॉक्टर नवीन है और उनकी पत्नी है, वो दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। पुलिस दिल्ली सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केयर सेंटर का लाइसेंस आखिर किसके नाम पे था, क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक ये साफ नहीं हो पाया कि केयर सेंटर का असली मालिक कौन है, यानी कि रजिस्टर्ड मालिक कौन है। और अगर ये रजिस्टर्ड मालिक उनकी पत्नी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर सकती है। बता दें कि जिस वक्त यह अग्निकांड हुआ उसके बाद से लगातार डॉक्टर नवीन जो है वो अपने फोन बंद करके फरार हो गया था, और उसके बाद सूचना पुलिस को मिली कि वो जयपुर में, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार पश्चिम बिहार भैरव इंक्लेव के उसके घर पर डेरा जमाई हुई थी, और उसके बाद पुलिस ने उसे पश्चिम बिहार से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में कई ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शाती है कि किसी किस तरह से अवैध तरीके से एक तरीके से ये जो केयर सेंटर है चल रहा था, इसका जो लाइसेंस रिन्यू था वो भी नहीं हुआ था। इसके अलावा जो बच्चे थे उनके साथ किस तरह से एक तरीके से खिलवाड़ की गई, परिवार को अगले दिन सुबह जो है मीडिया या अलग अलग माध्यमों से पता चला कि केयर सेंटर में आग लग गई है, और दर्दनाक तरीके से 7 बच्चे जो है उन्होंने इस केयर सेंटर के अंदर दम तोड़ा है। शुक्रिया आनंद इस पूरे अपडेट के लिए। तो चाहे राजकोट हो या फिर राजधानी दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ है उसमें शुरुआत में साफ तौर पर बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। तापमान का हाल बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, आसमान से आग बरस रही है, राहत के कुछ आसार कब तक दिखाई दे सकते हैं? ये दिल्ली नहीं पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। तापमान ने अपने पुराने रिकॉर्ड साढ़े तोड़ रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो कल दिल्ली में सबसे 9 साल का सबसे गर्म दिन था, और मई महीने के अंदर ये हाल है। जो मौसम विभाग है उसने पूरे उत्तर भारत के लिए, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। 2 से 3 दिन तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान के फौलादी में तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया था, और आगे भी 2 से 3 दिन तक वही हालात बने रहने की अनुमान है। इतना ही नहीं, जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर कि मौसम ठंडा रहता है उसके लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। थोड़ा सा अगर मैं डाउन की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं या फिर मध्य प्रदेश की बात करूं, तो वहां भी गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। महाराष्ट्र में तापमान अकोला में 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, और वहां पर इसको देखते हुए कर्फ्यू ऑलरेडी लगा दिया गया। धारा 144 लगा दी गई है, 30 मई तक ये धारा 144 वहां पर लगाई गई है। तो मौसम विभाग ने कई सारे आपको प्रिकॉशंस लेने की सलाह दी। अगर आप बाहर निकलते हैं, कोई जरूरी काम है तभी बाहर निकले, सूती कपड़े पहने, समय समय पर लिक्विड पदार्थ देते रहे। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गनीमत यह कि मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, और मानसून जो अपने तय समय जो 1 जून होता है उससे थोड़ा सा पहले 30 से 31 जून को केरल पहुंच जाएगा, और उसके बाद पूरे भारत को वो कवर करने की शुरुआत कर देगा। शुक्रिया असीम मौसम पर ही अपडेट देने के लिए। तो जिस तरह से असीम बता रहे थे कि फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों तक राहत मिलने के आसार कम है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रिकॉशन ज़रूर अपनाएं। चलिए एक और खबर आपको बताते हैं। भीषण गर्मी में अक्सर इस तरह का खतरा रहता है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन अब इससे बचने के लिए लखनऊ में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए हैं। जगह जगह ट्रांसफार्मर के पास बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं ताकि गर्मी के कारण लगने वाली आग से होने वाले हादसों से बचा जा सके। चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल की। रेमल का रविवार रात करीब 8:30 बजे पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल हुआ। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने तट को हिट किया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। बंगाल में रेमल तूफान के चलते 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश हुई। कई सारे पेड़ उखड़ गए। यातायात भी प्रभावित रहा। करीब 21 घंटे तक
उड़ानें बंद रहने के बाद यातायात फिर से शुरू हो चुका है और तूफान के कारण 394 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। बांग्लादेश में भी तूफान का असर देखने को मिला है। बांग्लादेश में तूफान के कारण 7 लोगों की मौत की खबर है। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 20 अंक और निफ्टी 25 अंक गिरकर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले बताएं बाजार की हाइलाइट्स। देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो रिकॉर्ड का दिन रहा, जबकि आज निफ्टी ने अपने नए रिकॉर्ड्स बनाए। साथ ही साथ आज सेंसेक्स भी 76,000 का एक माइलस्टोन छूकर आया। निफ्टी बैंक में भी जबरदस्त खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी देखने को मिली, रिकॉर्ड ऊंचाई बनाया। उसके बाद लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एक वोलेटाइल सेशन जो कि इंडेक्स ने एंड अप किया। आज खरीदारी थी बैंक्स में, जिसमें HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्लस IT में कुछ हद तक खरीदारी थी। लार्ज कैप मिड कैप दोनों IT में अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी। बहुत हद तक फार्मा आज एक डिफेंसिव स्पेस में खरीदारी दिखा रहा था, क्योंकि नंबर्स का भी इंपैक्ट था। कई कई स्टॉक्स में तो एक सिलेक्टिव बाइंग वहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। लेकिन ओवरऑल आज बिकवाली थी एनर्जी में, मेटल में, ऑयल एंड गैस में, या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं। सो एक वोलेटाइल सेशन जिसको एंड अप किया मार्केट्स ने, वो भी उस दिन जिस दिन अपने रिकॉर्ड स्तर भी मार्केट ने टच किया। ओके सुमित, ये भी बताएं कि आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में एक्शन देखने को मिला। देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज नंबर्स के बाद DB स्लैब आउट परफॉर्म कर रहा था। एक अच्छी खरीदारी वहाँ थी। इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर। अदानी पोर्ट सेंसेक्स का हिस्सा बनने की खबर के बाद 0.25% ऊपर। एक्सिस बैंक 1% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस सेंसेक्स में ना आने की खबर के बीच में 3% नीचे। विप्रो सेंसेक्स से बाहर होने की खबर के बीच में बिकवाली। ग्रासिम और SBI लाइफ दोनों में 2% के आसपास की डिक्लाइन। मिड कैप में फिनलेक्स केबल शानदार तेजी में रहा। IOB करीब करीब 11% ऊपर। ग्लेनमार्क फार्मा डेट रीपेमेंट के खबरों के बीच में 8% ऊपर। और JBM ऑटो करीब करीब 7% की तेजी यहाँ रही। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में EIH 6% नीचे। PNC इंफ्रा 6% नीचे। सेलो वर्ल्ड और श्नाइडर लगातार लोअर सर्किट स्नाइडर कामकाज कर रहा है नंबर्स के बाद। PSU बैंक्स में आज खरीदारी थी तो IOB, UCO, पंजाब एंड सिंध, सेंट्रल बैंक सबके सब 3.5% से लेके 11% की बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरें। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव एक मंच पर नजर आए। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान को लेकर BJP पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई शक्ति संविधान को छू भी नहीं सकती। उन्होंने नरेंद्र मोदी के PM नहीं बनने का भी दावा किया। बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। हम दो तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और जैसे पहले होता था वैसे ही हम एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में परमानेंट पेंशन वाली योजना चलाएंगे।
पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की जनसभा के दौरान अचानक मंच का एक हिस्सा धस गया, लेकिन राहुल गांधी गिरने से बाल बाल बच गए। समय रहते आरजेडी कैंडिडेट मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें संभाला। घटना के बाद राहुल ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस घटना के बाद जनसभा में थोड़ी देर तक अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाषण का स्तर इतना गिर गया कि कोई भी परिवार के लोग उनका भाषण सुनना नहीं चाहते, उनका काम बिहार आकर गाली देना है। आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं, मंदिर मस्जिद मछली मटन मुजरा ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई गरीबी के बारे में बात करते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी के कुशीनगर में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी में 4 सीट पार नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सत्ता गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, धन बल से हिमाचल सरकार को गिराने की भी कोशिश की गई है। अब मोदी जी यहां आकर देवभूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि ये सरकार गिर जाए, कि भाजपा के जितने नेता हैं प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें। तो लोकसभा चुनाव की जंग अपने अंतिम दौर पर पहुंच गई है। अब तक कितने बदले समीकरण और 7वें चरण में किसका चलेगा दाव, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पुणे हिट एंड रन केस की, जिसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी के परिवार ने ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर को पैसे दिए। बताया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय तावड़े को कॉल किया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की। इस खुलासे के बाद पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल्स बता रहे हैं सहयोगी दिवाकर। देखिए, पुणे हिट एंड रन मामले में लगातार जो नाबालिग का परिवार है अपने नाबालिग बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ड्राइवर को किडनैप करने का मामला हो, उसको धमकाने का मामला हो और फिर पूरे केस को अपने ऊपर लेने का मामला हो, तमाम चीज़ें जो है नाबालिग का जो परिवार है वो करने की कोशिश कर रहा है। और इसी सिलसिले में एक बेहद ही अहम खुलासा पुणे पुलिस ने किया है, वो है ब्लड रिपोर्ट को बदलवाने का, यानी पूरा का पूरा सैंपल जो है वो बदल दिया जाता है और दूसरे मरीज का सैंपल, उसकी जाँच रिपोर्ट तैयार की जाती है और बाकायदा वो पुलिस को दी जाती है। लेकिन पुलिस को जब शक होता है तो इसके बाद बाकायदा पुलिस जो है उस नाबालिग आरोपी को ससून अस्पताल ले आती है, वहाँ
वहां पर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेने के बाद ससून अस्पताल के बजाय उसे औध अस्पताल में भेजा जाता है, जहां पर जो रिपोर्ट आती है वो पहले की रिपोर्ट से बेहद डिफरेंट होती है। यानी पहली रिपोर्ट में जो अल्कोहल नजर नहीं आता है वो दूसरी रिपोर्ट में नजर आता है, और उसको कंफर्म करने के लिए पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल का भी डीएनए सैंपल लिया था और उस डीएनए सैंपल से औध अस्पताल में ही जाकर बाकायदा मिलान किया, और मिलान के बाद ये कन्फर्म हो गया कि जो औध में रिपोर्ट आई है वही नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट है और जो ससून में आई है वो फर्जी तरीके से तैयार की गई है। इसीलिए इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने दो बड़े डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर तावरे और डॉक्टर श्रीहरि, ये दो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं रिपोर्ट बदलने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और साथ ही साथ जो सुराग हैं उसको टेम्पर करने के मामले में जो है ये तमाम गिरफ्तारी हुई है, दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टर तावरे को फोन करके रिपोर्ट बदलने के लिए कहा था, तो इसलिए पुलिस ने अब विशाल अग्रवाल को भी इस केस में आरोपी बना दिया है। यानी विशाल अग्रवाल हिट एंड रन वाले केस में भी आरोपी हैं, ड्राइवर की किडनैपिंग वाले मामले में भी आरोपी हैं, और अब रिपोर्ट बदलवाने के मामले में भी उन्हें आरोपी बना दिया गया है। यानी विशाल अग्रवाल और सुरेंद्र अग्रवाल जो कि नाबालिग के पिता और दादा हैं, उन दोनों की मुश्किलें इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस ने इस पूरे मामले में ड्राइवर का जो अपहरण हुआ था, ड्राइवर के साथ जो बंधक बनाकर उसे मारपीट की गई थी, उस मामले में भी विशाल अग्रवाल की कस्टडी लगभग मिल चुकी है, प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है। प्रोडक्शन वारंट के तौर पर पुणे पुलिस अब न्यायिक हिरासत में मौजूद विशाल अग्रवाल की कस्टडी लेगी और फिर उन्हें कोर्ट में कस्टडी लेने के लिए, जो रिमांड लेने के लिए पेश किया जाएगा। तो इस दौरान लगातार पुणे क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है, और जब से ये पूरा केस पुणे क्राइम ब्रांच के पास गया है एक के बाद एक तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के आज के टॉपिक के बारे में। ब्रेन फॉग एक ऐसी स्थिति है जब आपका दिमाग स्लो काम करने लगता है, आपकी मेमोरी और आपके रिएक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है। क्या है ब्रेन फॉग की वजह और क्या है इसका इलाज, जानने के लिए जरूर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।